सो हे गाइस, कैसे आप सब? आज हम बात करने वाले हैं पोको X5 Pro और यहाँ पे Redmi Note 12 Pro के बारे में। दोनों को यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्लियर कट की कौन सा फोन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा एंड आपको किसके साथ जाना चाहिए। आज मैं एकदम खुले में आ गया हूँ यहाँ पे और आप भी थोड़ा सा खुल्लम खुल्ला प्यार बरसा देना लाइक्स के रूप में, तो बढ़िया वाले लाइक्स यहाँ पे कर देना। चलो, पोको X5 Pro जो है ना वो डेफिनेटली हमें 21,000 में मिल सकता है, आपको पता ही है, विद डिस्काउंट। अच्छा प्राइस यहाँ पे फ़ोन का आया है। मैंने जो ओपिनियन दिए थे उस हिसाब से फ़ोन काफ़ी वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे निकल कर आता है। बट अगर हम इससे कंपेयर करें Redmi Note 12 Pro से, तो दोनों फोन्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगते हैं एंड यहाँ पे कन्फ्यूजन दोनों में क्रिएट हो जाती है। तो देखो, अगर हम डिज़ाइंस को देखेंगे तो दोनों फोन्स के डिज़ाइन हूबहू से ही है, बस यहाँ पे पोको ने थोड़े से नए कलर्स लेकर आ गया है, वो एक पट्टी ऐड कर दी है एंड बाकी ओवरऑल दोनों फोन्स एक जैसे लगते हैं। दोनों में यहाँ पे स्लिमनेस है, दोनों ही काफ़ी अच्छी बिल्ड के साथ आते हैं, दोनों ग्लास बैक के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ओवरऑल इन हैंड फील दोनों की काफ़ी सिमिलर सी मिलेगी। यहाँ पे वो जो येलो कलर है ना पोको का, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एंड इवन की ब्लू कलर भी मुझे पोको का काफ़ी अच्छा लगा है। तो मैं डिज़ाइन वाइज, मेरे को अगर पिक करना हो, नेट पिक करना हो, तो मैं पोको को पिक करूँगा। अभी डिस्प्ले के बारे में बात करें तो वो भी एकदम से हूबहू सेम ही है, 6.67 इंचेस की डिस्प्ले है, एमलेड वाली, सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है, सारे सपोर्ट है, सब कुछ बढ़िया है। और यहाँ पे ना कॉन्टेंट वगैरह देखोगे, यूट्यूब, अल्टाबालाजी, नेटफ्लिक्स, जो देखना देखो, सब कुछ बढ़िया, एकदम मतलब मक्खन वाली डिस्प्लेज है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और दोनों कर्व नहीं है, दोनों फ्लैट है, तो कंपैरिजन करने वाली कोई बात ही नहीं है। सबसे बड़ा जो फर्क आएगा वो है कैमरास को लेके। पोको ने 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मॉरल सपोर्ट वाला कैमरा। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दूसरी साइड रेडमी नोट 12 प्रो की, यहाँ पर अगर आप थोड़े से पैसे ज़्यादा डाल के इस फोन को लेते हो तो डेफिनेटली आपको एक थोड़ा बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। सोनी का IMX766 वाला 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, OIS देखने को मिल जाती है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मॉरल सपोर्ट, दोनों में 16 मेगापिक्सल की यहाँ पे सेल्फी है। अब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, कैमरा जितना मैंने पोको की रिपोर्ट्स देखी है, बहुत तगड़ा कैमरा है, बहुत अच्छा यहाँ पे आपको मतलब फोटोज निकाल के दे रहा है। बट सेम केस रेडमी नोट 12 प्रो के साथ भी मैंने देखी है, दोनों के कंपैरिजंस की रिपोर्ट्स अभी इतनी नहीं आई और हम भी अभी तक नहीं कंपेयर कर पाए हैं, तो इतना मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बट ओवरऑल अगर सेंसर देखा जाए तो ऑब्वियसली सोनी का 50 मेगापिक्सल ज़्यादा बेटर निकल कर आता है। OIS की वजह से भी रात को यहाँ पे फोटोज जो है वो ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है रेडमी नोट 12 प्रो में। मुझे लगता है कैमरा के मामले में पोको बहुत अच्छा होगा, पोर्ट्रेट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं उसके, बट रेडमी नोट 12 प्रो के मुकाबले में कितना अच्छा है कितना नहीं, उसके लिए वेट करनी होगी। एंड हाँ, परफॉर्मेंस यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ा वाला गैप है। गैप मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क, बट डेफिनेटली स्टेबिलिटी और लॉन्ग रन के हिसाब से ना पोको मुझे बेटर लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें Redmi Note 12 Pro में Dimensity 1080 देखने को मिल रहा है, जो कि हमने अभी हाल ही में कई फोन्स में देख लिया है। एंड ये वाला प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है यार, गेमिंग भी बढ़िया हो जाती है, नॉर्मल टास्क पर सब अच्छे से यहाँ पे टैकल करता है ये वाला प्रोसेसर। बस दिक्कत ये है कि पोको ने स्नैपड्रैगन 778G दे दिया है। अब स्नैपड्रैगन 778G थोड़ा सा पुराना ज़रूर है, बट ये डायमेंसिटी 1080 से ज़्यादा पावरफुल आज के टाइम में भी है। और ये ज़्यादा पावरफुल जो प्रोसेसर है ना, आपको अच्छी बेटर गेमिंग प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो यहाँ पे स्टेबल परफॉर्मेंस देता है, एंड मुझे लगता है लॉन्ग रन में ज़्यादा अच्छा रहेगा डायमेंसिटी 1080 के मुकाबले में। आई नो आज की वीडियो में आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, कहीं से ठक ठक, कहीं से यहाँ पे ट्रैक्टर की आवाज़, तो भाई उसको तो इग्नोर कर दिया होगा आपने। बट अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो वो ज़रूर से कर देना। देखो यार, बैटरी एंड चार्जिंग में भी कोई फर्क नहीं है, 5000mAh की बैटरी दोनों में देखने को मिल जाती है, 67W के चार्जर्स भी दोनों में देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल दोनों की बैटरी बैकअप एक जैसी ही रहने वाली है। कमाल की बात बताता हूँ आपको, सॉफ्टवेयर में फर्क देखने को मिल जाएगा। Redmi Note 12 Pro और Poco X5 मतलब X5 Pro जो है, दोनों ही हमें Android 12 के साथ देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ अ सैड थिंग, पुराना एंड्रॉइड आ रहा है। मैंने पोको से एक्सपेक्ट किया था कि एंड्रॉइड 13 लेकर आएगा, बट नहीं देखने को मिल रहा। बट एक चीज़ है कि MIUI का वर्जन पोको में थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। Redmi आपको यहाँ पे MIUI 13 दे रहा है, तो पोको आपको MIUI 14 दे रहा है। आई थिंक ये फर्स्ट फोन है शायद MIUI 14 के साथ इंडिया के अंदर, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट करना, बट मुझे लगता है ये पहला फोन है MIUI 14 के साथ इंडिया के अंदर एंड ये नए फीचर्स लेकर आता है। बट रिपोर्ट्स के हिसाब से ये अभी इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, कुछ अपडेट्स की नीड है। अगर दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स, IR ब्लास्टर, साइड स्कैनर्स, यहाँ एक भी फोन ने यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया है, दोनों साइड स्कैनर के साथ आते हैं। अब चलो यार, दोनों को यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं कि दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा अच्छा है। तो भाई ओवरऑल आपने एक चीज तो समझ गए होंगे, दोनों फोन एकदम से ही सिमिलर से हैं, बट यहाँ पे ना Redmi का फोन हल्का सा महंगा पड़ सकता है, बट ऑफर्स के साथ वो भी 21-22 हज़ार में मिल जाता है। पोको भी ऑफर के साथ 21,000 में, वैसे 23,000 में, बट दोनों में से कौन सा फोन खरीदे? तो यार देखो, मैंने आपको बोला प्रोसेसर जो है वो बेटर है पोको का,
और यहाँ पर एक और चीज़, रेडमी का जो है वो कैमरा बेटर हो सकता है पोको से, उसके लिए तो हमें रिपोर्ट्स की थोड़ी सी वेट करनी होगी, बट ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की बात करूँ ना तो पोको ने बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उठाना है, कैमरा परस्पेक्टिव आप ज़्यादा देखते हो कि अच्छा सेंसर वेंसर चाहिए, वहाँ पर थोड़ा सा रेडमी बेटर लग रहा है मुझे, बल्कि वीडियोज़ में भी काम करेगा थोड़ा, ओएस तो मज़ा आ जाएगा, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की तो वहाँ पर डेफिनेटली पोको आगे निकल कर आता है यार। हाँ एक क्वेश्चन होगा मदरबोर्ड के रिलेटेड पोको को लेके, तो यहाँ पे हिमांशु जी ने ट्रैकेटेक की यहाँ पे जो आई थी फर्स्ट लुक पोको की, तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि मदरबोर्ड वाला इशू नहीं देखने को मिलेगा। तो यार अब हमें उन पर ट्रस्ट करके यहाँ पे अगर इस फ़ोन को लेना है तो हम ले सकते हैं। एंड डेफिनेटली वैसे पोको के मैंने अभी तक जितने फ़ोन यूज़ किए सभी मॉडल्स में तो कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब ऐसे कुछ कुछ मॉडल्स में आई है तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गया, बट हाँ मैंने पोको के अभी मेरे पास कई फोन एम सीरीज़ के भी पड़े हैं, मैंने एफ सीरीज़ वाले भी चलाए, मेरे किसी फ़ोन में मदरबोर्ड की इशू मतलब भगवान की दया से अभी तक कोई नहीं आया, तो मैं यहाँ पे कंप्लेंट कर भी नहीं सकता। बट हाँ ये नहीं कह रहा कि कुछ लोग गलत बोल रहे हैं, बट अगर यहाँ पे आपको डेफिनेटली खुद चूज़ करना है कि आप पोको के साथ जाओगे कि रेडमी के साथ, मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली मेरे को जरूर से बताना आपको बेटर फ़ोन कौन सा लग रहा है। मुझे अगर एक फ़ोन पिक करना हो तो मैं पोको के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे को एक तो स्नैपड्रैगन 778G थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है, प्लस इसके मुझे कलर्स एंड वो जो डिज़ाइन थोड़ा सा है ना वो ज़्यादा बेटर लगता है। एंड MIUI 14 भी देखने को मिल जाएगा जो कि हमें उधर देखने को अभी नहीं मिल रहा है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप अपने राय कमेंट्स में डाल देना, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कीस मैनिंग ऑलवेज, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।